जदयू के लोगों को ये मालूम है कि गृह मंत्री उनके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सारी घटनाएं घट रही है, चल रही है कि बिहार सरकार के नेतृत्व में उनके आदेश निर्देश पे ये गोलियां चल रही है। ये कहाँ का ये न्याय है, कहाँ का नैतिकता है? मुख्यमंत्री जी को तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। इसको चोरी करके, पलटी मार करके उन्होंने जनादेश को चोरी करके और चचा और भतीजा की सरकार चला रहे हैं, तो खुद को कुर्सी बचाने में मशगूल है। नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कटिहार गोलीकांड को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, और ऐसे में आज जदयू के एमएलसी खालिद अनोर के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कटिहार में जो भी प्रदर्शनकारी थे उन लोगों को बीजेपी ने उकसाया था। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम जी है। अब जदयू सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप लगा रही है? जदयू को आरोप लगाने का कोई है? उनका नैतिकता समाप्त हो चुकी है। जदयू के लोगों को ये मालूम है कि गृह मंत्री उनके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सारी घटनाएं घट रही है। मुख्यमंत्री जी को खुद को मालूम है, जहां गोलियां चल रही हो, जदयू का नेता हो, कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, ये तमाम राज्य के नेता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, तो गोलियाँ चल रही है कि बिहार सरकार के नेतृत्व में उनके आदेश निर्देश पर ये गोलियाँ चल रही है। ये अपने कुतिक कर्मों को छुपाने के लिए भाजपा का नाम ले लेकर के बचने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक बचेंगे? बकरी का माँ कब तक खैर मनाएगी? ये बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया था, सुशासन का नाम दिया था, बिहार को विश्व का गुरु बनाने में सहयोग करने के लिए, लेकिन इन्होंने तो कुर्सी बचाने में परेशान है। इनकी कुर्सी कैसे बचेगी? कुर्सी बचाने में अपने बड़े भाई से ये परेशान है। अब इनकी कुर्सी खतरे में है, तो आने वाले दिनों में कुर्सी कैसे बची रहे, भतीजा से जान कैसे छूटे, बड़े भाई से जान कैसे छूटे, तो इसके आड़ में दलित पिछड़ा की बात करते हैं। ये वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा की वर्ग संघर्ष करके सत्ता में बने रहने देना चाहते हैं। उसी के लेकर के आप दरभंगा की घटना हो या पूर्णिया कटिहार की घटना हो या बेगूसराय की घटना हो या मुजफ्फरपुर की घटना हो, ये बिहार की कोई ऐसे 38 जिला है जहां गोली न चलती हो, जनता न मारी जा रही हो? बिहार की जनता अगर मांग करने के लिए गांधी मैदान से शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अगर मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर लाठी चलवाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, गलत बयानबाजी करके उसको चार्जशीट के तहत और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको बदल दिया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री जी कहाँ का ये न्याय है, कहाँ का नैतिकता है? मुख्यमंत्री जी को तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। एक मेरा और सवाल है, कल एक जदयू के मंत्री का बयान आया था कि जो लोग प्रदर्शन करेंगे उन पर प्रशासन लाठी नहीं चलाएगी, गोली नहीं चलाएगी, विजेंद्र यादव ने ये बयान दिया। ये चुनी हुई सरकार थोड़ी है, ये जदयू का नेता जो बयान दे रहे हैं वो तो खुद घुटन महसूस कर रहे हैं, वो तो गलत तरीके से फंस गए हैं। अब कैसे वो करेंगे? उनकी सरकार चुनी हुई नहीं है, वो तो जनादेश एनडीए के पक्ष में आया था, लेकिन जनादेश को चोरी करके, पलटी मार करके उन्होंने जनादेश को चोरी करके और चचा और भतीजा की सरकार चला रहे हैं, तो खुद को कुर्सी बचाने में मशगूल है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलसी जनक राम, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से खालिद अनवर ने बीजेपी पर आरोप लगाया, तो खालिद अनवर के बयानों पर पलटवार करते हुए इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मचाएगी। साफ साफ कह रहे हैं कि पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है और नीतीश कुमार अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।